हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो मैं फिर से एक नई वीडियो ले के आ चुका हूँ, केटीएम की रिव्यू की वीडियो। तो ये केटीएम आरसी 200 है और ये BS4 है 2018 मॉडल, और ये सिंगल सिलेंडर कैप, इनिशियल पावर इसकी बहुत ज़्यादा, सिंगल सिलेंडर में कोई बाइक नहीं इसके टक्कर में, क्योंकि इनिशियल पावर इसकी बहुत हाई है और ये बहुत रैफ्टिक चलती है। और इसके सिंगल सिलेंडर में इसकी इनिशियल पावर का टक्कर नहीं दे पाती, ना ही R15। टॉप एंड में R15 निकल जाती है, पर जब तक इसका लिमिटर नहीं आता, लिमिटर इसका 144 पे है, इसीलिए इसका 144 पे लिमिटेड आ जाता है। और यह R15 का 150 पे है, इसीलिए वह टॉप एंड पे निकल जाती है और ये वहीं पे रुक जाती है, और इनिशियल में ये निकल जाती है आगे। तो ये चलने में सही है, इसकी ब्रेकिंग सिस्टम जो है वह भी काफ़ी सही है, पर नॉन ABS है ये, इसमें ABS नहीं दिया गया है, क्योंकि ये 2018 मॉडल BS4 है, और जो BS6 आ रही है उसमें ABS दे रहे हैं डुअल चैनल का, तो इसमें ABS नहीं दिए। और जो नई वाली आ रही है KTM, तो उसमें ये पूरा मॉडल ही चेंज कर दिया, उतना सकती जितना ये पूरा। तो गाइस, मैं इसका ये फेयरिंग बताने वाला, ये फेयरिंग बहुत कॉस्टली है और ये मजबूत भी है, बहुत हार्ड भी है, क्योंकि इसका ये बाइक गिर भी जाती तो इतनी जल्दी ये टूटता नहीं है, जब तक इसको सही ढंग से न तोड़ा जाए या बाइक न लड़े, एक्सीडेंट ना हो, तो ये उतना कमज़ोर नहीं होता जो लोग बोलते हैं कि ये बाइक प्लास्टिक की है, टूट जाएगी, गिरेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये मजबूत होता है, तभी कंपनी वाले इतना महंगी बाइक बेचते हैं। और ये कॉस्टली भी है, एक साइड का इसका 4000 का आता है मिनिमम।